आज प्रधानमंत्री की तीन बात करेंगे, इसमें से एक बात है ये जहाँ दुकान है, ये पहले खाद की दुकान थी, इस दुकान का नाम बदल के हो गया किसान समृद्धि केंद्र, और सारी खाद की दुकानों को अब सरकार किसान समृद्धि केंद्र में बदलेगी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। और इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ज़्यादा सुविधाएं शुरू की जाएंगी, जैसे मान लो आपने मिट्टी टेस्ट कराने है तो ये सैंपल भी लेगा और टेस्ट करा के देगा, आपने पानी टेस्ट कराना है तो सैंपल लेगा टेस्ट करा के देगा, आपने कोई सलाह लेनी है तो उस सलाह के बारे में भी यहाँ एक्सपर्टों तक आपका सवाल पहुँचाएगा, जवाब मंगा के देगा। जैसे आपने पराली और बाकी चीज़ों के लिए बड़े बड़े यंत्र शुरू कराए किराए पर, क्योंकि सारे यंत्र किसान नहीं खरीद सकता, तो ऐसे कस्टम हेल्थ सेंटर भी जो जुड़ेगा, किसी ने कोई मशीन चाहिए इस काम की तो डिमांड का भी काम करेगा। और जो बदलाव नए नए खेती में आ रहे हैं, ऐसे 15-20-25 किसानों की महीने में एक दो बार यहाँ संगोष्ठी भी करेगा कि भाई कोई एक्सपर्ट बुलाया जाएगा, कोई न्यू कर लो ही न्यू कर। अब जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, अब पहले आपने केवल खाद तैयारी सुनी थी कि ये बोतल आ रही आ गई, नैनो यूरिया, पहले सिंपल यूरिया थी, फिर नीम पोर्टिड आ गई, आज प्रधानमंत्री जी एक नई यूरिया शुरू करेंगे सल्फर चढ़ी, उसको गोल्ड यूरिया कहा जाएगा, पीले रंग की होगी, और वो नीम पोर्टिड से इससे ज्यादा काम की होगी, वो यूरिया जो है 85% तक काम आ जाएगी, इसलिए उस पर सल्फर चढ़ाइए, उसका उपयोग ज्यादा होगा। पहले ये भाई साहब बता रहे थे तो पहले भी उसका कितना उपयोग हो रहा था, 33%। अब या जो नहीं आवेगी तो इसका इस्तेमाल 85% तक हो जाएगा, अगर यू मान लो आप घी खावा 33% लाग गए, 85% लाग गए, आप समझिए। इसलिए खेती में वो ज्यादा लाग गए। नए अल्टरनेटिव आ रहे हैं कि भाई देखिए, एक बात CPCBC है, किसी माँ की सेहत उसी पापा की सेहत, गलत तो नहीं कहूँगा, किसकी माँ बीमार हो बोलती हो उसका बाड़ा किसा होगा, जब तक दूध पी रहा उसे होगा, तो इसलिए आप जो बड़े बालक हाँ हमारी माँ कौन है, इन बड़े बालका की माँ कौन है, धरती माँ, और जिसी धरती माँ की सेहत इसी हमारी सेहत। इसलिए जो हमारे कैंसर होने लग गया, जो हमारा और बीमारी होने लग रही है, और जो हम सुथरे सुथरे की बजाय वो कालिए कालिए से हो रहे, गलत तो नहीं कह रहा, या खाद जो है या हमारी कोई बीमारी है, ये फर्टिलाइजर ये पेस्टिसाइड हमारी देरी मार रही है, और इसलिए बाकी सेहत अच्छी करनी पड़ेगी तो ही हमारी सेहत अच्छी होगी। और इसलिए मैं एक उपाय मैंने दिखाया कि बोलिए भाइयों, जो उपाय मैंने दिखाया दूसरा जो जैविक आया है, जो हिसाब बनाया है कि जिसमें केमिकल नहीं है, जो प्राकृतिक चीजों से बनाई हुई खाद है, जैसे अपने पहले देसी खाद होती थी, अपा कोड़ी पे गोबर की बनाते थे, अपने खेतों में डालते थे, ये उसके हिसाब से। तो अब यह बात चल रही है, जब हम पढ़ाते हैं जब यह बात चल रही थी कि भाई अनाज कम पैदा हो है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, और 2050 तक अनाज
की इतनी दिक्कत आ जाएगी कि जनसंख्या घटाओ, जो पार्टी किसने पढ़ाया है याद होगा, मेरे टाइम में जो पढ़ाया जाता था, अनाज इतना पैदा हो गया कि 140 करोड़ की बजाय और 140 करोड़ को हम खवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी खराब होगी। बात समझा, मात्रा तो बढ़गी, उल्टा जो इस बात पर है कि अनाज से कम पैदा हो मगर क्वालिटी अच्छी हो। इन अपनी मंडी में भी, अरे मध्य प्रदेश का जो जगह है,